सात दिन फैसला पहले सात दिन सातवां दिन फैसला कल दो बजे हुआ, आज देखे पूरे दिन गया, रात पूरे रात गया, तो आप कितना धर्ज के घर गया। अभी बोरा फिर ये है आचार संहिता लागू है, दादा तो बोल लो जब 10 लाख तो दिया, लेकिन तुम्हारा 6 लाख नहीं ले, तो हम कहना चाहते हैं चेक, चेक तो आप लोगों ने ले लिया ना उस टाइम, तो बोले थे कि हम लोग को इतना ही चाहिए, 6 लाख नहीं चाहिए, हम लोग के संतुष्टि नहीं है क्योंकि 6 लाख से कुछ होगा भी नहीं, और हम लोग को तो कोई कमाने वाला भी नहीं, और 3 लड़की ही है, तो हम लोग को कैसे होगा। 6 लाख हमें संतुष्ट नहीं है, परिवार क्या करना चाहूँगा, अभी फैसला कर चुके हैं तो हम लोग इसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहते। पूर्व विधायक हमारे साथ जो है, कहीं ना कहीं सर 6 लाख हमें संतुष्ट नहीं है, परिवार क्या करना चाहूँगा। नहीं देखिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऑलरेडी फैसला कर चुका है, तो उस फैसले को हम लोग ये डिस्प्यूट नहीं करना चाहते। ये हम लोगों से बातचीत उससे ज़्यादा में हुई थी, लेकिन उस समय लोग अड़े हुए थे जो नहीं हम लोग को इससे कम 10 लाख से कम नहीं चाहिए, तो इसलिए, लेकिन अभी फैसला कर चुके हैं तो हम लोग इसको लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहते। तो देख सकते हैं कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी पहले से फैसला कर दी है, जिसके कारण हमारे पूर्व विधायक जी यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं करना चाहते, यही कहें। हम लोग को जो 6 लाख मिला है उससे हम लोग के संतुष्टि नहीं है क्योंकि 6 लाख से कुछ होगा भी नहीं, और हम लोग को तो कोई कमाने वाला भी नहीं, और 3 लड़की ही है, तो हम लोग को कैसे होगा, परिवार कैसे चलाएंगे, तो वही हम कहना चाहते हैं। चेक तो आप लोगों ने ले लिया ना? हाँ ले तो लिए, हाँ पहले आए थे। हाँ उस टाइम आप लोग बोलते ना, उस टाइम तो बोले थे कि हम लोग को इतना ही चाहिए, 6 लाख नहीं चाहिए। ना ব্যাপারটা যখন সকালে ফেসলা হয়েছিল 10 লাখ টাকা লেবো, তো 6 লাখ টাকা ধরবা ছিল না তোমাদের? তোমাদের ধরা উচিত ছিল না, দাদা 2 ঘন্টা বসেছিল আপনাদের সাথে, বসেছিল না 2 ঘন্টা? এবারে এবারে যে পার্টি ছিল আসলে তোমাদের পার্টি আসলে তোমাকে তো ধরা ছিল, এবারে মনে করো 2.5 ঘন্টা দাদা বসার পর তোমরা ফেসলা করে নিলে 6 লাখে, দাদা তোমাদেরকে বলিলে তোমরা ধৈর্য ধরো আমি 10 লাখ তো দিয়াবো, দাদা তো বললো যে আমি 10 লাখ তো দিয়াবো, লেকিন তোমরা 6 লাখ নিয়ে নিলে, এবারে মনে করো কেউ ফেসলা করে দিল সেইখানে দাদাকে ঢুকা ডিসপিউট করা হবে ম্যাটারটাকে, ও এসে নিয়ে বলবে আমি আরও বেশি দিয়ে যাবো, ম্যাটার ডিসপিউটেড জায়গা হবে, এরকম করলে জিনিস তো খারাপ হবে। তারপর তো ওটা যদি তোরা ই করতিস তাহলে যখন পরে করে তারপর দাদা জ্বালানি দিত আলাদা করে ওইটা বলে দেয়, ওটা বললাম সব কাজ হয়ে যাওয়ার পরে চাকরিটা 1 তারিখ থেকে স্টার্ট করিয়ে দেবো। আর যদি প্রবলেম হয় 1 তারিখে তুই দাদার সাথে যেন দেখা করবি, নিজে যাবি না যাবি তুই আমাকে বলবি, আমি তোকে পাঠা করাবো, ঠিক আছে? 1 তারিখ থেকে তোর জয়েন হবে। কে করবে? তুই করবি? मम्मी करेगी, ठीक है। 25,000 तुमको इसका दिया, मायर बॉयज का था 34,000। तो तुम्हारा जहाँ 6 लाख लिए सुबह परामर्श करी छो फैमिली, तो सब आपस में बात किए थे, तो परिवार में बात हुआ था ना? जैसे 2 बजे देख लिया था, कल 2 बजे हुआ, आज देखे पूरे दिन गया, रात पूरे रात गया, तो आप कितना धर्ज के घर गया? अभी बोरा फिर ये है आचार संहिता लागू है, बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय जरूर रखिएगा। जय।